जे मेरा खत थोक तो पढ़ियो जरूर, ओदा एक एक अखर पर गौर करियो जरूर, ओ अखर नहीं मेरे दिल पर पेदे छालन, ओ सकै किशकारी करियो जरूर। फुल समझे हे जेके ओ खार बनी गए, बजनी टोके ते पैनी तलवार बनी गए, बरें तक चमके रहे गलन ने जेके मेरे सुनिया जो मेरी मोती दे तलबगार बनी गए। फुल समझे हे जेके ओ खार बनी गए, बजनी टोके ते पैनी तलवार बनी गए, बरें तक जेड़े चमके रहे मेरे गले कन्ने सुनिया वो मेरी मोती दे तलबगार बनी गए। जे खत थो मेरा तो पढ़ियो जरूर, ओदे एक एक अखर पर गौर करियो जरूर, ये अखर नहीं मेरा दिल पर पेदे छालन, हो सकता है किशकारी करियो जरूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंशी शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ राइटर राज राही जी हैं, रियासी के रहने वाले हैं और विख्यात राइटर है, पूरे जम्मू कश्मीर में इनका नाम है और रिसेंटली जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2021 वो भी इन्हें मिला है। डोगरी के क्षेत्र में उम्दा काम करने के लिए वो अवार्ड इन्हें कुछ दिन पहले मिला है और अगले साल फरवरी महीने में वो अवार्ड इन्हें प्राप्त होगा। इनसे बातचीत करते हैं और कुछ शायरी इनकी और कौन कौन सी कविताएं इन्होंने लिखी है और क्या क्या रिकमेंड करेंगे खासतौर से युवा पीढ़ी को, इनकी कौन कौन सी कविताएं पढ़ने के लिए और इसके साथ ही जो शेरो शायरी इन्होंने की है वो इनसे सुनने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका और मुबारकबाद भी आपको, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से आपको नवाजा गया है, फरवरी में आपको वो अवार्ड मिलेगा, कल जो बात आपसे हो रही थी, और डोगरी के क्षेत्र में काम करने के लिए आप डोगरी में ही लिखते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह के बाब हैं इस समय मन में और क्या मुबारकबाद का भी सिलसिला चल रहा है? हाँ, इस समय मैं बहुत ही अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ। लगातार कल 3 बजे से लगातार बधाइयों का सिलसिला चल रहा है, कम से कम 1000 फ़ोन आया होगा और 600 मैसेज आए हैं, मुझे मैंने नाम नोट किए हुए हैं, लगातार लोग सबको जवाब दे पा रहे हैं, मैसेज जो आप कह रहे हैं सबको। हाँ, मैं जवाब दे पा रहा हूँ, कभी कभी भावुक हो जाता हूँ, कभी कभी कोई ऐसी मुबारकबाद देता है तो भावुक हो जाता हूँ, तो जवाब दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आपको भी मुबारक हो, आपकी बदौलत जो मुझे अवार्ड मिला है। सेटिस्फेक्शन है अब दिल में कि जो मैंने किया उसे पहचाना गया, उसको तवज्जो दिया गया और अवार्ड उसका जो लिखा था आपने उसे अवार्ड के जरिए आपको सम्मानित किया गया। सेटिस्फाइड हूँ। ये अवार्ड जो है ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे साहित्य का बड़ा अवार्ड है, ये मिलना कोई मामूली बात नहीं है, जिसको ये मिलता है ना तो उसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में बनती है, तो मुझे ये अवार्ड मिला है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और आवारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरा साहित्य पढ़ा और इस काबिल समझा और मुझे ये साहित्य अकेडमी अवार्ड दिलवाया, जा जो भी ज्यूरी मेंबर थे। तो आप थोड़ा निराश भी हमने देखा रहते थे कि जिस तरह से आपने काम किया है लेकिन उतनी पहचान आपको नहीं मिली, क्या ये आपको लगता है कि जो काम हुआ उसे उतनी पहचान नहीं मिली, अब आपको अवार्ड मिला है तो अब क्या कहना चाहेंगे, रिकॉग्नाइज आपको किया गया? देखो, बात जब रिकॉग्नाइज की आती है तो एक गांव से उठकर शहर में, जम्मू जैसे शहर में अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो मैंने बड़ी मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने की और आज मेरी मेहनत रंग लाई है। आज वो लोग जो लोग मुझे ये नहीं समझते थे कि ये भी एक लेखक है या ये भी आगे बढ़ पाएगा, आज वो समझ रहे हैं, नहीं हाँ उनको जवाब मिल गया है और उनको पता चला कि इसमें पोटेंशियल है, तो आज मैं वहाँ उस मुकाम पर पहुँचा हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं निराश था, हाँ थोड़ा बहुत निराश जरूर, थोड़ी शिकायतें थी लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलूंगा कि मैं रियासी में पैदा हुआ हूँ, करैनी में पैदा हुआ, रियासी में पैदा हुआ एक बात है, जहाँ का मैंने पानी पिया है, अन्न खाया है, जो कुछ किया, जो कुछ आज मैं हूँ इस रियासी की बदौलत ही हूँ और रियासी के लोगों की बदौलत हूँ, तो रियासी के लोगों की बदौलत ही है। बेशक लोगों ने कम पढ़ा है मुझे रियासी में, लेकिन बाहर लोगों ने मुझे बहुत पढ़ा है और इतना पढ़ा है तो आज वो लोग, मैं क्या बताऊं अंत जी, कुछ लोग ना मेरी किताबें पढ़कर, मेरी कहानियां पढ़कर पीएचडी कर चुके हैं, कुछ लोग मेरी पर्सनैलिटी पर पीएचडी कर चुके हैं और मेरी किताबें कोर्स में लगी हुई हैं, 9th क्लास में गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं, मेरी कहानियाँ पढ़ाई जा रही हैं, तो सेटिस्फाई हूँ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा लेट हुआ
देर हुआ मगर दुरुस्त हुआ, देर आए दुरुस्त आए। सेटिस्फाइड है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप काम करते थे, एम्प्लॉय थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? हाँ, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय था और ऑफिस में काम करता, ऑफिस हेड था मैं, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ और मेरा मैक्सिमम जो है टाइम पहाड़ों में ही गुजरा है। तो पहाड़ों से कुछ निकलता था जो लेखनी में आप यूज करते थे? जो भी निकला है पहाड़ों से निकला है, जो वादियों से और ठंडी हवाओं से, ठंडी हवाओं से, चीड़ के वृक्ष, देवदार के बड़े बड़े पेड़, तो मैं जब उनको देखता था, जब कभी किसी जंगल में आग लग जाती थी, एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, जब जंगल में आग लग जाती थी तो मैं देखता था ये पेड़ अब क्या क्या जो जल रहे हैं क्या महसूस कर रहे होंगे, अगर इनके पांव होते तो ये वो दर्द भी आपने लिखने की कोशिश की। मैंने दर्द लिखा है वो, अगर इनके पांव होते ये भागते, जानवर तो भाग रहे हैं, इंसान भाग रहे हैं, लेकिन ये पेड़ जल रहे हैं, इनकी मजबूरी है जलना। ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखता हूँ। कभी देखता हूँ कोई लेडीज काम कर रही है, लकड़ियाँ लेकर जा रही है, सोचता हूँ ये कैसे कब जो पहुँचे घर, कब रोटी बनाएगी, मुश्किल जिंदगी है। मैंने उग्रवाद भी देखा है, आतंकवाद का समय भी देखा है, वहाँ हमारे पास नौकरी के दौरान ही, नौकरी के दौरान उग्रवाद पर कहानियाँ लिखी हैं मैंने, नारी पर भी लिखी हैं, ये पर्यावरण पर लिखी हैं। जो मेरी किताब नमे टनर, जिस पर मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, इस कहानी का नमे टनर शीर्षक है इस किताब का, और इसमें मैंने पर्यावरण पर लिखा है कि जो इतने पहाड़ काटे जा रहे हैं, उनको ऐसे कपड़े की तरह बेतरा जा रहा है, ऐसे काटा जा रहा है, तो जो धूड़ मिट्टी पेड़ों पर पड़ रही है, पेड़ बेचारे रात को भी सो नहीं सकते हैं, पता नहीं कब कौन सा पत्थर गिर जाए। ये पेड़ों की सोच नहीं है, ये मेरी सोच है जो मैंने कागजों पर उतारी है। और वहाँ के जो मंकी, जहाँ पर वहाँ के जो बंदर, जिनको गुलशन जी केले खिलाते थे, छोले खिलाते थे और फ्रूट वगैरह डालते थे, अब वो कहाँ है, अब उनको कौन केले खिला रहा है, ये एक संवेदनशील लिखारी लिख सकता है। यही मेरा था वो जी। तो क्या सुनाना चाहेंगे? एक आपकी किताब जो कि हमारे घर पे पड़ी रहती थी, मुझे अब पूरा नाम जीजा साली करके कुछ आपने लिखा था, कुछ ऐसी किताब थी आपकी? नहीं नहीं, बस मेरी कोई किताब नहीं, मैं बेसिकली मैं शायर नहीं हूँ, ना ही मैं पोइट हूँ, मैं एक कहानीकार हैं आप, और शेर व शायरी भी तो आप लिखते हैं करते हैं। सुरेंद्र, हेलो, हाँ जी, कुछ हो? तो राज राही जी हमारे साथ हैं, आपको बता दें कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है और अगले साल फरवरी महीने वो अवार्ड प्राप्त करने ये जाएंगे, दिल्ली में वो अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई सारी जो कहानियां हैं, किताबें हैं, इन्होंने लिखी हुई हैं और शेर व शायरी भी ये करते हैं। कुछ और शेर व शायरी लाइव इस समय आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं, कुछ शेर व शायरी हो जाए जो आपके मन के बेहद करीब है या आप पर्सनली आपकी फेवरेट। मैं आपको बता, मैं शायर तो हूँ नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही सुना देता हूँ मतलब अभी भी, लेकिन हमने देखा है मेरे 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 सीने में जख्म है कितने, मेरे सीने में जख्म है कितने, गिन के बता, मेरे गालों पे तिल हैं जितने। थैंक यू अंचल जी। और राजराही जी, थोड़ा सा कहानी है अपनी किताबों के बारे में बता दिए जो युवा पीढ़ी है वो जान सके, और अगर उन्हें पढ़नी हो तो कहाँ से वो किताबें? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मेरे चार कहानी संग्रह और एक नाटक प्रकाशित हो चुका है। मेरी जो पहली किताब थी उसका नाम था जिंदा शहीद, दूसरी थी असली वारस, और तीसरी थी बंसरी दी तान, चौथी है नमे टनल, और पांचवी किताब है तारा दे किंगरे, और मेरा एक नाटक है उसका नाम है मजारी। मैं आपको बता दूं अंचल जी कि मतलब मेरी अगर किसी ने पढ़नी हो, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप मुझे पैसे देकर कहा मेरी कहानियाँ पढ़ो, आप मेरे पास आओ, अगर मेरे पास स्टॉक है तो मैं उसको फ्री में दे दूंगा, अगर नहीं है तो आप पढ़कर मुझे वापस भी कर सकते हो, और मेरी कहानियाँ पढ़िए, पढ़ सकते हैं, और आप किताबें उन्हें मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको लोगों को आना चाहिए, आगे आना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है तो क्यों मिला और कैसे मिला है, किस किस्म की कहानियाँ जी लिखते हैं, तो लोगों को आना चाहिए आगे। तो आप दूरदर्शन अप्रूव्ड आर्टिस्ट भी हैं, लेखक भी हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते रहते थे आप, और क्या हाल में भी मौका मिलता है आपको वहाँ जाने का? देखिए जी, मैं दूरदर्शन का भी परमानेंट रहा हूँ, मैं और रेडियो स्टेशन का भी रहा,
अब जो है मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने से मेरी वैल्यूज कुछ बढ़ गई हैं। अब जो फीस मुझे 2500 रुपये मिलती थी, अब मुझे 5000 मिलेगी। इतना फ़र्क पड़ा है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने से। तो मैं जाता हूँ, जब बुलाते हैं तो मैं चला जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं खुद एक बड़ा बहुत अच्छा एक्टर भी रहा हूँ, मैंने रामलीला में 12 साल लक्ष्मण का रोल किया है, और मैं दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, शिमला आदि जहाँ पर नाटक करके आया हूँ। मैंने एक टीवी सीरियल भी किया है, जिसका शीर्षक नाम था जमीन, टीवी सीरियल किया है, और मेरी कहानियों पर फिल्म भी बनी हुई है। तो चल रहा है। तो आज अंचल जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं किसको धन्यवाद दूँ, अपने आप को दूँ, या रियासी के लोगों को दूँ, या साहित्य अकेडमी के ज्यूरी मेंबर्स को दूँ, किसको दूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु कोई जिनको देखकर आपने लिखना सीखा हो, या फिर अपने से ही आपने सीखा, या कोई? लेकिन बात यह है, मेरा साहित्य में बाद में कोई गुरु बने हैं, लेकिन पहले मेरा कोई गुरु नहीं था। ये मेरी अपनी कोई बहुत ही है ना, अंदर से जो अंदर की आवाज़, अंतर आत्मा की आवाज़ थी कि कुछ करके दिखा, नहीं तो लोग आपको कंसिडर नहीं करेंगे, लोग आपको मसल देंगे। और वो जुनून था, वो मैंने अपनी लेखनी में उतारा, और आज मैंने साबित कर दिया कि मैं हूँ। चाहे रियासी की वजह से हूँ, रियासी के लोगों की वजह से हूँ, लेकिन मैं हूँ। जिंदा शहीद आपने जिक्र किया, उसमें क्या कहानी? उसमें अंचल जी क्या था कि करगिल की लड़ाई जब हुई, तो उसमें जो लोग शहीद हुए उनके परिवार वालों को उन्होंने गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप दिए, किसी को गैस एजेंसी दी, किसी को कुछ दिया, और जो जख्मी हुए उनको भी मदद दी गई। लेकिन जो जख्मी तो हुआ, अपना पुरुषार्थ गवा गया, और को किसी घर में घर वाली के किसी काम का नहीं रहा, उसको क्या दिया गवर्नमेंट ने? आपने वो चीज़ सोचकर वो बोल लिखी कि अगर वो औरत सोचती है इससे बेहतर था ये मर गया होता, तो आज मेरे घर पे मुझे भी पेट्रोल पंप मिला होता, मेरे घर तक भी पक्की सड़क होती, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते। अब मुझे क्या करना है, ये क्या करना है जिंदा शहीद? ये उस औरत की सोच थी, और ये मेरी भी भक्ति सोच थी, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये कहानी बड़ी पॉपुलर हुई। अब मैं आपको पता क्या बताऊं, जब आप कहानी पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहानी क्या है। अब मैं जवानी बोल रहा हूँ, जब मैं पढ़कर डायलॉग इसके कहानी के बताऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा नहीं, कहानी में दम है। तो अभी क्या कैसे बेसब्री से उसकी बीवी उसका वेट कर रही होती है, कब रात पड़ेगी, कब आप मिलेंगे, कब आप इकट्ठे बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन जब मिलते हैं तो वो करगिल की बर्फ में सब कुछ ठंडा पड़ गया होता है, तो उसके मन में क्या भाव उतरते हैं उस समय? हो सकता है उसके बाद उसके भाव चेंज हो गए हों उस समय, उसके बाप के मल उसके अंदर क्या उभरा होगा औरत के अंदर, वो मैंने उस कहानी में लिखा हुआ। वो ये कहानी मेरी बड़ी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है। तो अभी रिसेंटली आप क्या लिख रहे हैं, क्या प्रोसेस इस समय चल रहा है, क्या कहानियों पर काम चल रहा है, या शेर व शायरी भी आप लिख? नहीं, मैं कहानियों पर ही मेरा चल रहा है, मेरा फोकस सभी कहानियों पर है। मेरी जो किताब तारा दे किंगरे, वो मैंने प्रिंटिंग में दी हुई है, अभी उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। तो जी जब ये छपकर बाहर आएगी, तो फिर दूसरा भी प्रोजेक्ट मेरे पास है, बच्चों के लिए मैं नाटक लिख रहा हूँ, तो मैं बच्चों के नाटक की किताब भी छपाना चाहता हूँ। कविताएं कभी कोशिश नहीं की, या थोड़ी कोशिश की थी आपने? हाँ, कविता मैं लिखता हूँ, जैसे बल ऐसे मजाया लिखता हूँ, हो जाए अगर याद हो तो। मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। तो मैं जिस जगह पैदा हुआ, फिर रियासी में आया, पढ़ा लिखा जो भी हुआ, लेकिन जो मैं अपनी जड़ें नहीं छोड़ सका, वो आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ, थोड़ा मजाइया है। एक बार इलाके का नाम पहले फिर से बता दीजिए, आपने पहले भी जिक्र किया। मैं जड़े आप बात कर रहे हैं? मैं करानी गांव का रहने वाला हूँ, वही उसी बागा के पास, जो बागा के पास है। तो मैं उसी संदर्भ में एक कविता सुनाता हूँ। करानी दा मकड़ हा, मकड़ गए रहा, करानी दा मकड़ हा, मकड़ गए रहा, बंदर बनी नहीं सकया, नंदनी पजुआ नहीं, गुलशन दे केले खाई नहीं सकया, मकड़े दा मकड़ गए रहा, बंदर बनी नहीं सकया। सरदारा दे राजमा चौल में चखे नहीं, पंतै दे पनीर पकौड़े में खाधे नहीं,
बौलिया का पानी में पीता नहीं, सोहे चलती टंडलिया ठफर फर बहू च सही नहीं सकिया, करैनी का मकड़ा मकड़ कर बंदर बनी नहीं सकिया। जिन्हें गी चाया उतो ये नहीं, जिन्हें गी चाया उतो ये नहीं, मतलब भी यार निकले अपने होए नहीं, जबरदस्ती कुसे गी अपना बनाई नहीं सकिया, करैनी का मकड़ हा मकड़ कर बंदर बनी नहीं सकिया, तो करैनी का मकड़ हा मकड़ कर। दिल टूटिया किश ओ नहीं भी तुस दरअसल अंत जी अब क्या बताऊं, जो लाइव चल रहा है प्रोग्राम अंत कुछ बातें होती है, पर्सनल बातें होती हैं, जैसे कोई प्यार हो गया, किसी से प्यार हुआ, उसने भी दिल तोड़ा। कभी एक कुछ बड़े कवि की मैं सुना था, वो आखा दे तो ये साफ है कि जल्द थोड़ी दिल टूटता नहीं है तो लेखक शुरुआत उत्थुआं के होती, फिर बाद में जो कुसे दी कहानियां भी लिखता, लेकिन शुरुआत ये कि उत्थुआं के सच है कि तुंदे कन्ने भी इयो होया। बिल्कुल बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, मेरे कन्ने भी ये किश होया, धोखे होए, धोखे होए, धोखा नहीं होया, धोखे होए, बड़े धोखे होए, बड़े धोखे होए, यारे दोस्ते भी धोखे दिते, जिंदा पूरा विश्वास किया हूँ वो मेरे विश्वास पर नहीं उतरे, शायद में जिसी चाया वो भी अपना नहीं होया, बड़ी कोशिश की अपने आप के प्रूव करने वास्ते, लेकिन मैं कुसे दिले जगह नहीं बनाई सकिया, जाए मेरा कसूर हा जा उंदा कसूर हा, मगर मिगी पता नहीं चल सकिया। वैसे जिसलै दिल त्रुटदा ना ते ओल्लै गै आदमी लखारी बनता है, ओल्लै गै लफ्ज निकलदे न, ओल्लै कलम चलदी, ओल्लै कलम रोंदी है, जिसलै लखारी लिखदा कागज उतारदा ओल्लै ओह कलम जिहड़ी है ना ओह रोंदी है, ओहदे अथरू होंदे न जिहड़े ओहदे ओह शब्द शब्दें च निकलदे न। ते चलो जिंदगी हुण मी इह सुणाओ कि उस चीज़ दा लिवी मलाल है जां फिर तुस हुण इह सोचने कि ठीक होया ते ओहदे बाद तुहाडी लेखनी शुरू होई? नहीं, मलाल दे रहिंदा है जिसलै ओह ख्याल आउंदा जिहड़ा, ते ओह मलाल दे रहिंदा है, लेकिन बच्चे दा अपने में पुत्र दा यार दोस्त हां, मेरी जनानी मेरे ने बड़ा प्यार करदी है, मैं ओहदे ने बड़ा प्यार करना, ते जिंदगी चला दी है, कदे कदे पुराना चेते दे होंदे हैं, ओह भी कागज उतरी जांदे, हां ओह कागज उतरी जांदे, ओह मी दिखिया जवान होआ दी ते मैं उसी दिक्खे जवान होते गया, ऐसी गल नहीं है। सलामत रोऐ ते मुबारकबाद तुसें आने आले भविष्य वास्तै, ते इयै दुआ करने कि तुस होर पुरस्कार प्राप्त करो ते इयां गै रियासी दा नाम भी रोशन करदे। थैंक यू बच्चे जी, थैंक यू। राइटर राज राही जी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 इन्हें मिला है, 2021 माफ करिएगा इन्हें मिला है, और डोगरी के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, बेहतरीन कार्य करने के लिए मिला है, उस किताब का ना एक बारी जेदे बस उस जिस पर मुझे साहित्य अकादमी मिला है अंचल जी, उस किताब का नाम है नमे टनल। ये कहानी संग्रह है, इसमें 20 कहानियां हैं, बखरे अलग अलग फ्लेवर की हैं, तो अलग अलग इसमें रंग हैं, अलग अलग इसमें शेड्स हैं। ये पढ़नी हो अगर तो एक उत्थुआं थोई सकदी है, ये अगर जे पढ़नी है तो मेरे को हाथ होई सकदी है, मेरे को पे नहीं है तो उस ले जाओ, कोई भी आइए अप्रोच करिए, युवा लेखक भी काफी उभरा दे रियासी, वो तुंदे अप्रोच करिए, पढ़ी सकदे, सीखी भी सकदे कियां लिखे। हां बिल्कुल बिल्कुल, मेरा खुला निमंत्रण है कि वो कोदा वेला मेरे घर आ सकदे और भैया पढ़ी सकदे, मेरे को ले भी जा सकदे। जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो आगे भी इनसे बातचीत करते रहेंगे, अगे भी जल्द मौका थोक इनके कने गलबात करगे, और उम्मीद ये करगे कि अगे और अवार्ड जितते रहन, इं गै ना रियासी का रोशन करते रहन, गलबात जल्द भी मौका मिलग इंदे कन्नै करगे, अगर शेरो शायरी किश होर लिखगे ओह भी तुंदे तोड़ी पजाने की कोशिश करगे, और इंदी नमी नमी जेकी कहानियां न कताबां न उंदा नाम भी तुसें सुनाने की कोशिश करगे, और इन्हें यह आखिया कि इंदी जिन्नी भी कहानियां इन्हें लिखी दियां अगर वह पढ़नी है वह कताबां पढ़नी है तो इंदे कन्नै अप्रोच की जा, इंदे घर दा वह तुसें थ्होई जानियां, तो पढ़िए वापस वो तुसें जरूर करनियां पौनियां। तो चलो इस इंटरव्यू में इन्ना गै, मेरे सहयोगी संयम कन्नै मी दियो अनुमति, धन्यवाद।